नमस्कार, मैं हूँ सपना खंडेलवाई, ऑथर ऑफ एमेजॉन बेस्ट सेलर बुक अनलीश द शक्ति विदिन, अ ट्रांसफॉर्मेशन कोच, क्रिएटर ऑफ इंडिया साड़ी चैलेंज फेसबुक ग्रुप, जिसके माध्यम से हम लोग साड़ी कल्चर को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। और आज उस ग्रुप में 25,000 से ज्यादा लेडीज हैं। एंड एंटरप्रेन्योर डूइंग माय ओन बिजनेस ऑफ रेनोवेटिंग प्रेशियस ज्वेलरी फॉर द लास्ट 30 इयर्स, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली co-founder of Devdithi Foundation. Devdithi Foundation एक ऐसी socio-cultural संस्था है जो women को help करती है to empower themselves by participating in our numerous online and offline educational and entertaining programs. Devdithi Foundation हर वर्ग की, हर तबके की और हर उम्र की महिला का self-confidence और self-esteem बढ़ाने का काम करती है, एक स्टेबल और सशक्त प्लेटफॉर्म देती है उन्हें एक्सप्रेस करने के लिए, फिर चाहे वे विमेन प्लेन एंड सिंपल होम मेकर्स ही क्यों ना हो। और ये जो सीरीज चल रही है देवदीति की ऑनलाइन पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज, इसके तहत आज हम एक बहुत ही नायाब मोती हीरा पिरो रहे हैं उस श्रृंखला में, और हमारी को फाउंडर उन्हें उनके बारे में बताएंगी भी उस, और उस इसीलिए मैं वंदना गुप्ता को इनवाइट करती हूँ देवदीति के को-फाउंडर को। नमस्कार, गुड इवनिंग। और जैसा सबको पता ही है, मेरा नाम वंदना गुप्ता है और स्टॉक ब्रोकर बाय प्रोफेशन। आई स्टार्टेड माय करियर 30 इयर्स बैक व्हेन आई को-फाउंडेड अ स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी। सच ड्रास्टिक डिफरेंस, यू नो, one side it's a stock broking company, the other side it's Devdithi Foundation with Sapna, where we are reviving the our culture, the heritage, and we are actually, we are doing a lot for our environment also. We want to do, maybe we are doing very minimal, but we want to do a lot about for our environment. For that we keep having our tree plantation programs, then we have waste management workshops, and then we refrain plastics and disposable, and hamari jitni bhi outings hoti hain wo zero waste hoti hain. I'm very proud to say that those are zero waste outings. Devdithi ka ek bahut zyada important vertical hai Devdithi Humanitarian Bank, jisse aap log ab tak kafi pata lag gaya hoga ki kaise hum kaam karte hain, hum identify karte hain hame kahan pe kya donation deni hai ya hamari kahan zarurat hai. First we identify and then try to reach those lesser privileged people who need our help, who need our time and resources. And thus we're trying to build up this gap between the privileged and the lesser privileged. मैं आप सब लोगों से अपील करती हूँ कि देवदीति के साथ अपना हाथ बढ़ाएं और लेसर प्रिविलेज लोगों को, जिनको हम मदद कर सकते हैं, हमारे पास अपने से ज्यादा है अपने के लिए, उनको दे सकते हैं, तो आइए हम सब मिलकर उनकी मदद करें। और जैसा कि आज हमारे स्पीकर हैं, हमारे बीच में हैं, हम उनके पास सही वक्त हो बुरा वक्त हो हम पहुंच जाते हैं। सही वक्त खुशी का वक्त है, शादी है, जरा बताइए जी सही टाइम कौन सा है फेरों का। हमारा वक्त बुरा चल रहा होता है तो हम कहते हैं अब आगे क्या होगा, हम क्या रेमेडी लें, इस शनि की दशा खराब हो रही है, राहु हमारे घर में बैठा है, देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स which keep happening. So I invite Anju Goyal there, because Anju Goyal ji ne hi inko invite kiya hai hamare beech mein. To Bansal ji ko maine unmute kar diya hai, wo shuru kare, Anju ko hum aayenge nazar. Bansal ji please, bahut tehe dil se aapka shukriya ada kar rahi hu is program mein aane ke liye. Please, thank you very much and thank you everybody. मैं अपना इंट्रोडक्शन अपने आप ही दे देता हूँ, बिकॉज आई एम न्यू टू योर ग्रुप, सो नोबडी मेनी मे नॉट बी नोइंग, और किसी ने नाम भाई देवे सुना हो तो ठीक है, अदरवाइज लेट मी टेल यू दैट आफ्टर डूइंग माय एमएससी फिजिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एंड फिर बीएसडी फ्रॉम जेएनयू, आई स्टार्टेड एस्ट्रोलॉजी एज अ बिजनेस in 1981, and I happened to be the first person to start astrology on computers at that time, because obviously there were no computers at that time. So maine JNU se ye shuru kiya tha,
और प्रगति मैदान में दिल्ली में सबसे पहला सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था और सिंस देन बाय द नेम ऑफ फ्यूचर पॉइंट वी आर देयर फॉर द लास्ट 40 इयर्स इन दिस लाइन. इस समय हमारे इंटरनेशनली कम से कम 50 देशों में हमारे सेंटर्स चल रहे हैं, सॉफ्टवेयर्स चल रहे हैं. वी हैव बीन टीचिंग, वी हैव मे बी 100,000 स्टूडेंट्स और मोर, आई डोंट नो, बिकॉज इतने हो गए हैं कि इतने पढ़ा चुके हैं कि अभी काउंट नहीं है हमारे पास. एंड द सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड बाय थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑल अराउंड. वी हैव डेवलप्ड अ लॉट ऑफ, वी हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क ऑन इट. वी हैव publications of more than 100 books to our credit. Then hamare magazine bhi hai, Future Samachar ke naam se aati hai. This I can show you, probably this is Future Samachar. This is a monthly magazine and this is available on internet also. Then we have a publication by the name of IFAS, Research Journal of Astrology, and I'm the obviously chief editor of these. And then co-founder of All India Federation of Astrologers Society, and I'm the president there. So, काफी काम किया है अभी हम काफी researches कर रहे हैं. PhDs हमारे साथ में बहुत सारे लोग PhD कर चुके हैं ज्योतिष में. We have a tie-up with Mewar University and under UGC program, and there हम बहुत सारी researches कराते हैं, जैसे कि शादी पर भी कराई है हमने रिसर्च की मैरिज, हम जो मैचिंग करते हैं वो कितनी सटीक होती है, क्या होता है, क्या करना चाहिए. और ऐसे ही कि बीमारी, जैसे कि कैंसर हो रहा है तो कैंसर किन लोगों को होता है, किन को नहीं होता है, कैसे, क्या हम सिर्फ ज्योतिष से जान सकते हैं कि कैंसर होगा या नहीं होगा. तो इस तरह के हमारे बहुत सारे पहलू हैं कि कौन लोग जॉब करेंगे, कौन लोग बिजनेस करेंगे. तो बॉस, we have hundreds of researches under us, and वो हम करा चुके हैं already. और उसके तो आज मैं जो आपको बताना चाहूंगा, देखिए बहुत सारे लोग आपको टिप्स देते रहते हैं कि वास्तु में ये कर लो, यहाँ पे ये रख लो, वो रख लो. मैं आपको, क्योंकि वो टिप्स तो ना बहुत मिलते हैं, हर जगह मिलते हैं, पढ़ने को भी मिलते हैं, सुनने को भी मिलते हैं, और मैं थोड़ा उससे डिफरेंट आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि ये जो मैं बताऊंगा वो शायद आपको कोई नहीं बता पाएगा, ये पक्की बात है. तो क्योंकि ज्योतिष में ज्योतिष जो है इज द मदर ऑफ ऑल द प्रेडिक्टिव साइंसेस. वास्तु के लिए भी एस्ट्रोलॉजी पहले चाहिए. इफ यू वांट टू बी अ गुड वास्तु स्पेशलिस्ट, यू नीड टू नो एस्ट्रोलॉजी. देन अगर आपको न्यूमरोलॉजी करनी है, टोरो कार्ड करना है, पामिस्ट्री करनी है, कुछ भी करना है आपको, यू नीड टू नो astrology, and unless you know that, you cannot be a good good proficient predictor. Ab jo hamara slogan hai ki in good times astrology guides you and in bad times it shows you the light after darkness. Why it is so? Dekhiye, hamara acha samay kabhi kabhi aata hai waise to, और जो अच्छा समय आता है इतना जल्दी पास हो जाता है कि पता ही नहीं चलता, उड़ जाता है. और उस समय को अगर हमने यूटिलाइज नहीं किया ठीक से, या उस समय को हमने काम नहीं कर लिया अपना जो चाहते हैं, तो हम शायद अच्छे बुरे समय में तो कर ही नहीं सकते. या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि यू डू नॉट नो कि आपका बुरा समय आने वाला है, क्योंकि यू आर पासिंग थ्रू अ गुड टाइम. और अच्छा समय जब चल रहा है और बुरा समय आने वाला है, आपको तो नहीं मालूम है. और अब जब अगर होता है ऐसा, तब क्या होता है, तब आप बड़े बड़े डिसीजन ले लेते हैं, क्योंकि अच्छा टाइम है, आपके पास पैसा भी है, रिसोर्सेज भी हैं, बहुत कुछ है आपके पास, और सारे रिसोर्सेज लगा के, और आपका कॉन्फिडेंस भी होता है उस समय बहुत, और आप सारे रिसोर्सेज लगा के और उसको लगा देते हैं, और ऐसे समय पे लगा देते हैं कि वो उसने डूब नहीं है, क्योंकि आगे तो अच्छा टाइम है नहीं, आपका खराब समय आने वाला है. तो आप जैसे ही ऐसे समय पे लगाते हैं तो आप जो है एक तरह से फंस जाते हैं, और फिर उसमें कुछ आप नहीं कर पाते. आप जब उसमें से जब पूरा डूब जाते हैं, तब किसी के पास जाते हैं आप कि ये क्या हो गया हमारे साथ, क्यों हो गया ऐसा, क्या इसने धोखा दे दिया, अपनों ने धोखा दे दिया. और जब जाते हैं तो वहां पता चलता है कि जी ये तो हम अपनी साढ़े साथ ही आ गई थी, या ये ग्रह आ गया था, ये था, प्रभु था,
और उसके बाद तो फिर ठीक है, उपाय कर लीजिए, कुछ कर लीजिए जिससे कि थोड़ी शांति हो जाए। लेकिन हम डेफिनेटली हम जब तक इतना लूज कर चुके होते हैं कि हमारा कोई मतलब एक तरह से 5 साल 10 साल पीछे बैक हो जाते हैं। अगर हमें ये पहले से मालूम पड़ जाए तो बहुत कुछ हम इसमें बचत कर सकते हैं। और भी बहुत टाइम ऐसे होते हैं कि हमारा कभी खराब समय होता है, जब तब कई बार ऐसा लगता है कि ये तो कभी हमसे प्रॉब्लम छूटेगी नहीं, निकलेगी नहीं। जैसे हमारे को लोन हो गया, बहुत कुछ हमने लोन ले लिया, फैक्ट्री लगा ली, काम बढ़ा लिया और पर डूब गए। अब उसको कब, वो उसमें से निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, ऐसी स्थिति आती है क्योंकि हम कमा भी नहीं रहे, फैक्ट्री चल नहीं रही, कमाई हो नहीं रही और लोन ही लोन बढ़ता जा रहा है, लोन का इंटरेस्ट बढ़ता जा रहा है। इस तरह की स्थिति बहुत आती है और ऐसे में फिर कोई आउटलेट नहीं दिखाई देता, कुछ नहीं समझ में आता कैसा होगा, कैसे होगा कि क्या हम वापस नॉर्मल लाइफ पे आ पाएंगे। और ऐसे ही लोग होते हैं जो कि कई बार अपना सुसाइड तक कर लेते हैं। तो क्या ऐसे समय में अगर हमें मालूम पड़ जाए कि नहीं ये समय ऐसे कितने समय के बाद ही खत्म हो जाएगा, दोबारा से अच्छा समय आएगा, दोबारा से रिवाइवल होगा, दोबारा से हमारी लाइफ चलेगी, नॉर्मल होगी, तो उससे बढ़िया क्या होगा। देन एटलीस्ट यू हैव अ फेथ, यू हैव अ लाइट, और आप उसको फॉलो करके, रास्ते को फॉलो करके शायद आप दोबारा से सर्वाइवल हो जाता है। तो ये भी लाइफ में बहुत जरूरी है। मतलब एक तो ये समझ लीजिए कि हम एक तरह से सिर्फ साइकोलॉजिस्ट का काम कर रहे हैं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट की भी कोई महत्ता कम नहीं है। साइकोलॉजिस्ट के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो सिर्फ आपकी सुन के बता रहा है, लेकिन एस्ट्रोलॉजर क्या है कि वो देख के बता रहा है आपके बारे में, आपका भविष्य देख के फिर आपको बता रहा है कि आप ये कर लीजिए या ऐसे वेट कीजिए। ये बहुत बड़ा फर्क है। अब कई बार ऐसा शक जरूर होता है कि क्या वाकई में एस्ट्रोलॉजी में हम देख सकते हैं फ्यूचर की, नहीं देख सकते हैं। ये मैं आपको बता दूं क्योंकि अभी तो मेरे को 40 साल हो गए हैं, कम से कम मैं 50-100 तो PhDs करवा चुका हूँ, और उसके बाद जो है इतना ज्यादा कोरिलेशन है कि कई बार हम खुद सोच में पड़ जाते हैं कि क्या वाकई में ग्रह इतना हमारी लाइफ को कंट्रोल कर रहे हैं। आप अगर, मैं बीइंग अ फिजिक्स स्टूडेंट आल्सो, मैं आपको थोड़ा सा साइंटिफिक वे में भी थोड़ा सा समझाना चाहूंगा कि वाकई में ग्रह असर करते हैं कि नहीं करते हैं। कि आप छोटी सी बात देखिए, चंद्रमा अभी जैसे कि अब ग्रहण आने वाला है, तो ग्रहण के दिन कितना ज्यादा पानी में उछाल आता है, कितना ज्यादा समुद्र में उछाल आता है। वो जो एक चंद्रमा है, चंद्रमा तो अभी छोटा सा चंद्रमा है ना, जो पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, और उसकी एक पर्टिकुलर पोजीशन जो है वो इतना ज्यादा उसमें समुद्र में उछाल ले आती है, हाई टाइड्स ले आती है कि कुछ क्या कहें। और अभी जैसे कि तूफान आ रहे हैं और ऐसा स्थिति हो रही है, ये क्यों हो रही है आपको तो नहीं मालूम होगा शायद, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समय अगर आप जन्मपत्री बनाएंगे ना, तो सारे के सारे ग्रह एक ही जगह एक ही एंगल में है, सारे के सारे गुरु शनि सारे मंगल सब एक ही जगह पे आ रखे हैं सारे के सारे। और इनके कारण जब सारे प्लैनेट्स एक जगह हो जाते हैं, इस समय कालसर्प दोष का भी समय चल रहा है। कालसर्प दोष जो हम बहुत वैसे सुनने में आता है कि ये पत्री में है और तब भी प्रॉब्लम आती है, तो ये जो कालसर्प दोष का मतलब क्या है कि सारे की सारे प्लैनेट एक 180 डिग्री के अंदर आ जाते हैं, और उसमें भी जब सारे की सारे एक छोटे से एंगल में आ जाते हैं तो अर्थक्वेक्स आ जाते हैं। हम वी कैन कैलकुलेट एस्ट्रोलॉजिकली कि अर्थक्वेक्स प्रोन टाइम कब है और अर्थक्वेक प्रोन प्लेस कौन सी है। वी कैन नॉट डेफिनेटली टेल यू कि ये इस पॉइंट पर आएगा या जैसे कि साइंस में बताते हैं, लेकिन हमारे साथ ज्योतिष में सबसे बढ़िया बात क्या है कि आपको कोई डाटा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए आपको, सिर्फ क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशन तो यू कैन कैलकुलेट एनी टाइम, और वो इतने सिंसियरली और एक्यूरेटली फॉलो करते हैं प्लैनेट्स कि आपको विश्वास ही नहीं हो सकता कि पृथ्वी जो है उसी पॉइंट पर फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड की एक्यूरेसी में आ जाती है। एक साल बाद करोड़ों अरबों मील का चक्कर लगाने के बाद पृथ्वी वहीं की वहीं उसी पॉइंट पर, वी कैन काउंट द फ्रैक्शन ऑफ ए सेकेंड टाइम एक्यूरेटली, इतनी एक्यूरेसी है। तो हर प्लैनेट में इतनी एक्यूरेसी है, और हम आज से 10,000 साल बाद का भी जो प्लैनेटरी पोजिशन है निकालना चाहें तो सेकेंड की एक्यूरेसी में निकाल सकते हैं। दिस इज फैंटास्टिक। तो इतनी एक्यूरेसी रहती है, और हम जो है ज्योतिष में ये बेनिफिट है कि हमें जो है हमारे लिए घड़ी जो है वो
एक दिन की, दो दिन की, एक साल की नहीं है, हजारों साल की लंबी घड़ी है हमारे पास, और हम उसका फ्यूचर का कभी कभी उससे कैलकुलेशन कर सकते हैं और जान सकते हैं। हम ये मतलब 100 साल आगे का भी जान सकते हैं कि बारिश का कौन से साल में बारिश ज्यादा होगी, कौन से साल में कम होगी, 100 साल आगे का भी जान सकते हैं कि कब किस साल में कब कहाँ पर अर्थक्वेक्स आने का ज्यादा संभावना होगी। तो ये सब जाना जा सकता है। इसको इट्स अ ग्रेट साइंस बट इट हैज नॉट बीन यूज्ड प्रॉपरली, दैट्स ऑल आई वुड से। इसमें इतना रिसर्चेस अभी इतनी कम हुई है क्योंकि हजारों साल से ये साइंस को हम यूज तो कर रहे हैं लेकिन वी हैव नॉट बीन एबल टू पुट इन लाइक इन मेडिकल साइंसेज और अदर साइंसेज, जहां पर कि हमने बहुत रिसर्चेस किए हैं, अरबों खरबों रुपया खर्चा किया है और उसमें काम किया है। जैसे कि हम ढूंढ रहे हैं कि एक दवाई कोरोना के लिए मिल जाए ऐसे समय में, और 6 महीने हो गए अभी तक कोई दवाई नहीं मिलकर दी, तो उसमें भी जबकि करोड़ों अरबों रुपए लग चुके होंगे उसमें। तो ऐसे में अगर इतना काम अगर ज्योतिष में हो तो मेरे ख्याल से ज्योतिष में भी बहुत अच्छी प्रेडिक्शंस की जा सकती हैं और बहुत साफ साफ तरीके से भविष्य को बताया जा सकता है। लेकिन मैं आपको कुछ फॉर्मूले जरूर बताना चाहूंगा क्योंकि हमारी ज्योतिष कई बार बहुत मिस इंटरप्रेट होती है, बहुत ज्यादा मिस इंटरप्रेट होती है और बहुत ज्यादा मिस यूज होती है। उसमें क्या है कि कई बार एस्ट्रोलॉजर है बस वो उसने अपना पैसे उसे अपनी दक्षिणा से मतलब और पंडित दूसरे को सिर्फ दिखाने से मतलब, उन्होंने पूछा ना उन्होंने कुछ करना ना, क्योंकि जैसे शादी की डेट निकाल ली, शादी का टाइम निकलवा लिया, किसने फॉलो करना है, वहां तो जो ढोल बजने हैं जब तो सब भूल जाते हैं कि क्या टाइम होना और क्या होना है। तो ऐसे ही उसको ज्योतिष को भी इतना सिंसियरली नहीं लिया जाता। कारण उसका यही है कि अभी इसमें उतनी एक्यूरेसी नहीं है जिससे कि आपको उतना विश्वास हो जाए कि यहाँ गोली खाई तो आपका जैसे सरदर्द ठीक हो गया, तो ऐसे ही हो कि मंत्र जाप किया और आपका बुखार उतर जाए तो आपका भी भरोसा हो जाएगा उसमें कि हाँ जी ये वाकई में उपाय काम करते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि बहुत हमने बहुत बहुत रिसर्च किया है एंड वट एवर आई एम टेलिंग यू इज आई एम गोइंग टू टेल यू विद अ वेरी वेरी हाई कॉन्फिडेंस लेवल। एंड जैसे कि आप 36 गुण मिलाते हैं शादी के लिए, लड़का देख रहे हैं, लड़की देख रहे हैं, कुछ भी मिलाते हैं आप सबको, मैंने बहुतों को देखा है कि जो आजकल तो वैसे भी सॉफ्टवेयर में जहाँ पे आप लड़का देख रहे हैं या लड़की देख रहे हैं उसी साइट पर ही पता चल जाता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ डली हुई है, टाइम डला हुआ है, तो लड़के से पत्री मिल गई कि इस लड़के से इतने गुण मिल रहे हैं और आपने जैसे ही 18 पॉइंट देखे या 18 से कम मिल रहे हैं आपने ड्रॉप कर दिया उसको, बंद कर दिया। दिस इज अ वेरी मतलब मैं क्या कहूँ कि इतनी गलत इसको समझ लिया गया है, इतना गलत समझ लिया गया है कि उसकी वजह से ये आधी तो शादियां इसी की वजह से डिले हो जाती हैं कि जी हमें लड़का नहीं मिल रहा, क्यों, जहां मिल रहा है तो वहां पे दोष आ जाता है, वहां पे जो कोई हम पसंद आता है तो वहां पे गुड़ नहीं मिल रहा है या फिर मंगल नहीं मिल रहा, दोनों तरफ से उठा के। और ये चीज ऐसा है नहीं, फैक्ट ऐसा नहीं है। इट्स आई वुड से कि दिस इज अ हाफ नॉलेज जिसकी वजह से ऐसा होता है। ये जो गुण मिलान का जो हमें दिया गया था फॉर्मूला वो हमारे ऋषि मुनियों ने दूसरे कारण से दिया था, वो ये सिर्फ ये बताता है कि किस प्रकार की अंडरस्टैंडिंग रहेगी और आपको किस प्रकार से आप बिहेव करें जिससे कि आप दूसरे को आप अपने फेवर में कर सकें। तो उसके लिए ये फॉर्मूला था, ये इसके लिए तो था ही नहीं कि इसके साथ शादी होगी या नहीं होगी या इसके साथ ये डाइवोर्स होगा या नहीं होगा। हम जो मान लेते हैं कि जी हमारे तो जी 36 पॉइंट मिल गए थे और फिर भी डाइवोर्स हो गया, या हम पंडित जी ने तो हमने तो पंडित जी को नहीं दिखाया था, हमारे तो 10 पॉइंट भी नहीं मिल रहे थे फिर भी हमारी शादी अच्छी चल रही है, तो ये तो था ही नहीं उस काम के लिए, वो तो चल रही है या नहीं चल रही है उसका तो लेना देना ही नहीं था। अगर आपको इसको अगर सही से इसको यूज करना है इस फैक्ट को, तो मैं ये कहूंगा कि शादी के लिए पहली बात तो गुण मिलाना छोड़ दीजिए। सबसे पहले बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर आई एम सेइंग दिस कि आप गुण मिलाना छोड़ दीजिए, इसका पर्पस दूसरा है, इसका पर्पस सिर्फ ये है कि हमारी किस प्रकार से अंडरस्टैंडिंग बनेगी और हमें क्या क्या हमें करना होगा जिससे कि दूसरे को हम अपने लेवल में ला सकें या हम उसके काबिल बन सकें। तो उसका कोई इससे लेना देना नहीं है कि डाइवोर्स होगा, इससे 1% भी असर नहीं पड़ता। वी हैव स्टैटिस्टिक्स ऑन थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ हॉरोस्कोप्स कि इसका कोई रिलेशन नहीं है डाइवोर्स से। और ऐसे ही जो हम मंगलिक विचार करते हैं, मंगल का जो विचार करते हैं, मंगल का जो जो कॉम्बिनेशन जो प्लेसमेंट्स हैं वो दे आर इंडिकेटर ऑफ समथिंग एल्स, नॉट
डाइवोर्स, जिसके डाइवोर्स के लिए सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ा प्लैनेट है वो है शनि। शनि डाइवोर्स कराता है और उसके बाद फिर मंगल आता है, तो मंगल भी कारण है डाइवोर्स का। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि नहीं है, लेकिन उसकी पोजीशंस अलग है, उसके लिए वो आपको नहीं मालूम है। तो आप, इट इज बेटर अगर आप उसको किसी पंडित को दिखाएं, किसी एस्ट्रोलॉजर को दिखाएं, वो उसमें से बताएं कि इसका यहाँ पर आपको शादी कर लेनी चाहिए या नहीं कर लेनी चाहिए, और शादी करें तो कैसे करें। उसको इतना छोटे रूप में आपने उसको ले लिया है कि जैसे कि वो मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल फॉर्मूला है, कंप्यूटर ने बता दिया कि हाँ जी ये इसमें इतना यहाँ पर मंगल होगा या इसमें, तो ये मंगलिक हो गया, या आंशिक मंगलिक हो गया, आंशिक मंगली है तो कोई बात नहीं शादी कर लो, और अगर मंगली है तो मंगली लड़की होनी चाहिए या लड़का होना चाहिए। दिस इज टोटली रॉन्ग, इट्स अ मिसकंसेप्शन टोटल। तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा, क्योंकि आपका एक बड़ा दायित्व बनता है इस समाज के लिए, आप सब लेडीज हैं यहाँ पर तो अपने फैमिली को चलाती हैं, और कोई ना कोई आपके परिवार में आता ही रहता होगा कि शादी अब इसकी होनी है, उसकी होनी है, तो उसमें ये है। आप ना तो मंगलिक विचार देखिए, नश गुण मिलान देखिए, आप तो सीधे सीधे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप पहले तो देखिए कि लड़का कौन सा पसंद है या लड़की कौन सी पसंद है। अब जब आपको लड़का या लड़की पसंद आ जाए, तब उसमें जब फाइनल स्टेज आ रही हो थोड़ा सा, तो उस समय एक किसी अच्छे पंडित को दिखा दीजिए, क्योंकि हर कुंडली को दिखाना इज नॉट पॉसिबल। आपके लिए भी मान लो 50 लड़के देखने हैं, तो 50 की मैचिंग कराना इज नॉट ए फिजिबल आइडिया। तो आप उसमें देखिए अच्छे से, मतलब पहले आप अपनी जो कंडीशन है उनको फुलफिल कीजिए, उसके बाद फिर आप इसमें किसी अच्छे पंडित को जाइए और वहां से पूछ लीजिए कि इसमें डाइवोर्स का तो कोई योग नहीं है, कोई और प्रॉब्लम का योग तो नहीं है, और अगर वो नहीं है तो आप उसको देन यू गो अहेड विद द मैरिज। और एक और इसमें मतलब प्रॉब्लम होती है कि देखिए कई बार ऐसा होता है कि शादी अभी आज कर रहे हैं, अब आप मान लीजिए आप लड़की वाले हैं, अब लड़का देख रहे हैं, तो लड़की वाले हैं तो फिर तो उसमें तो लड़की में अवगुण है पत्री में या नहीं है, वो तो आपको ऐसे ही रखनी पड़ेगी ना। यू कैन चूज द अदर साइड, यू कैन नॉट चेंज योर साइड। लड़की है तो चेंज नहीं कर सकते, लड़का है तो चेंज नहीं कर सकते। आपको जैसा भी मतलब दूसरी साइड को फिट करना है, जिससे कि आपका ये जो मैच है या ये शादी है कंटिन्यू रहे। अगर लड़की की पत्री बहुत खराब है, मान लीजिए बहुत ज्यादा ऐसी डिस्टर्बिंग है कि उसमें मैरिड लाइफ का मतलब अच्छा लिखा ही नहीं है, तो ऐसे में क्या करें। फिर भी आप चाहते तो हैं कि शादी तो हो जाए, क्योंकि नहीं तो दैट इज अ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ। तो आप उसमें मतलब हम ये चाहेंगे कि आप उपाय भी जो है ना, देखिए कुछ ना कुछ तो हद तक काम करते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल काम नहीं करते। तो फिर उसमें दो ग्रह हैं जो कि हम एक गुरु और एक शुक्र, ये दो ग्रह माने गए हैं जो कि शादी मैरिड लाइफ को एक खुशहाल रख सकते हैं। इनके कारण ही मतलब खुशहाल रखने में ये है, और तोड़ने के लिए तो मंगल और शनि है। मंगल के लिए मंगल और शनि दोनों के लिए हनुमान जी जो है ना सबसे बड़े कारक हैं, और या फिर शिव जी उनको बचा सकते हैं। तो उस अगर इस प्रकार का योग दिखाई देता है तो हनुमान जी या शिव जी की उपासना करनी चाहिए। और कई बार ये कहते हैं कि जी हम तो लड़की हैं या वो हैं, तो हम कैसे हनुमान जी की उपासना करें। ऐसा है कि देव और मनुष्य के अंदर कोई सेक्स का रिलेशनशिप नहीं होता माना जाता। ये जैसे कि जानवर में और मनुष्य में कोई सेक्स रिलेशनशिप नहीं माना जाता, ऐसे ही देवता और मनुष्य में कोई सेक्स रिलेशनशिप नहीं होता। इसलिए वहां पर आप वो वहां पे हनुमान जी हैं या विष्णु जी हैं या शिव जी हैं या कोई है, तो वो अछूत हो गए या ये हो गया वो हो गया, ऐसा नहीं होता। उसके लिए आप कई बार कहते हैं कि हम शिवलिंग कैसे रख लें घर में, लोग हमें पंडित जी ने मना किया। कुछ धारणाएं बहुत गलत फैला दी गई है इस चीज को, मतलब इसको अगर हम इन गलत धारणाओं को ठीक कर लें दोबारा से, तो मेरे ख्याल से काफी अच्छा हो सकता है। और हमें जो है, मैं आपको बस छोटा सा उपाय बताना चाहूंगा शादी के पक्ष में, कि अगर आपको कोई पुखराज, मतलब अगर देखना पड़ेगा इसके लिए कि पुखराज सूट करता है या कि ओपल, एक शुक्र के लिए ओपल माना गया है सबसे अच्छा स्टोन। और वैसे तो डायमंड होता है शुक्र के लिए, लेकिन डायमंड इज अ वेरी हार्ड स्टोन, तो
उससे बल्कि और थोड़ी नेगेटिविटी क्रिएट हो जाती है कई बार। तो आपको अगर पुखराज या ओपल में से दो में से एक स्टोन आपको लड़के को या लड़की को जिसकी भी शादी करनी है या नहीं हो रही है या कोई प्रॉब्लम है मैरिड लाइफ में, ये पहनाना चाहिए। और दोनों में से 12 की 12 लगन जो है, हमारे 12 की 12 राशियां, उनमें ये दोनों में से कोई ना कोई एक स्टोन डेफिनेटली सूट करेगा, डेफिनेटली सूट करेगा। और उनको एक वैसे तो मैं आपको शॉर्ट, अगर आपको मालूम हो थोड़ा बहुत अपना राशि के बारे में या लगन के बारे में, तो मैं बताना चाहूंगा कि मेष, वृश्चिक और धनु और मीन, ये 4 लगन ऐसे हैं जिनको कि पुखराज पहनाना चाहिए, और बाकी जो 8 लगन हैं उनको ओपल पहनाना चाहिए। अगर ओपल पहनाएंगे तो काफी उससे मैरिड लाइफ अच्छी रहेगी। संतान अगर नहीं हो रही है तो उसके लिए भी ये है, फाइनेंस के अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए भी है। तो ये सभी चीजों के लिए पुखराज और ओपल बताए गए हैं, और इनसे बहुत बहुत लाभ भी देखा गया है। फिर अगर अगर लड़की है तो विष्णु पूजा करानी चाहिए। इसमें जो है ना, कई बार क्या करते हैं कि फेरे कराते हैं कि जब हम गड़े के साथ फेरे करा दिए, या फिर कोई शमी के पेड़ से फेरे करा दिए, या केले के पेड़ से फेरे करा दिए। वो फेरे करने से क्या है, वो लड़की के मन पे भी बोझ पड़ता है, तो अच्छा लगता नहीं है। फिर उसे लगता है कि जैसे मेरी तो शादी नहीं हो रही, मैं तो पता नहीं कुछ हूं ही नहीं, इस मैं फालतू आ गई इस। बंसल जी एक सवाल पूछ रही हूँ, सॉरी बीच में टोक रही हूँ आपको। आप जैसे कह रहे हैं कि ऐसे केले के पेड़ से शादी करा दी मट्टे के, अब हम तो बहुत साधारण लोग हैं, तो हम जैसे ऐश्वर्या राय बच्चन की, अभिषेक बच्चन की शादी हुई, तो वो ऐश्वर्या राय बच्चन ने भी केले किसी पेड़ के साथ पहले शादी करी बिकॉज ऑफ ऑल दिस। आई रियली डोंट नो व्हाट वाज द मैटर, बट दिस इज, मतलब वो तो बड़े बड़े ज्योतिषियों के पास गए होंगे ना। हम तो बहुत साधारण लोग हैं, वो तो इतने सेलिब्रिटी हैं, तो वो क्या रीजन है फिर उनका? वो मंगली है जो बच्चन, वो है क्या कहते हैं उनके पुत्र जो है ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग मंगली है। और उनका उनका जो ऐसा लिखा गया था, देखा गया था कि मतलब इनकी जो मैरिड लाइफ है सक्सेसफुल नहीं रही किसी के भी साथ, किसी के भी साथ कोई लड़की हो, तो इसलिए उनके वो कराए थे जिससे कि वो जो है मिटिगेट हो जाए। बल्कि ऐश्वर्या राय की पत्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है उनकी, तो अभिषेक बच्चन की पत्री में ही ज्यादा प्रॉब्लम थी, तो उसको मिटिगेट करने के लिए किया था। तो मैं यही बता रहा हूँ कि वो आप कर सकते हैं करने को, तो वो भी उपाय है ही, ऐसा नहीं है उपाय नहीं है, और कारगर उपाय है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई उपाय काम नहीं करते। लेकिन फिर भी मैं एक आपको बहुत सही और ऐसा उपाय बताना चाह रहा हूँ कि आप सिंपल विष्णु जी की पूजा करें, और विष्णु जी को एक तरह से माँ बाप जो हैं अपनी कन्या को विष्णु जी के हवाले कर दें, कहते ये क्योंकि वैसे भी पालनहार तो विष्णु जी है ना इस संसार के, तो आप अगर उनको सुपुर्द कर दें एक तरह से कि जी आपको इसका ख्याल रखना है, तो वो दैट इज अ वेरी सिंपल एंड बड़ा सटीक उपाय है, और इसका रिजल्ट जो है ना उससे कहीं ज्यादा ही आता है। आपने तो अपना जो बोझ है ना एक तरह से विष्णु जी के ऊपर डाल दिया, अब विष्णु जी तो कर ही लेंगे ना, उनको उनके लिए कौन सी बड़ी बात है शादी कराना। तो ऐसे अगर लड़की का है, अगर लड़के का है, मतलब ये तो है लड़की के लिए विष्णु जी का उपाय, और अगर लड़के का है तो विष्णु जी का उपाय तो फिर भी चलेगा, लड़के के लिए भी चलेगा अगर आप बहू देखना चाह रहे हैं। लेकिन पार्वती जी के का जो है ना, उनका श्रृंगार किया जाए, उनका शुक्रवार को उनका उनका श्रृंगार का पूरा किया जाए, कन्याओं को भोजन कराया जाए, प्रसाद दिया जाए, तो वो बड़ा अच्छा उपाय है लड़के के लिए, लड़की देखने के लिए। वैसे लड़की के लिए हमारा ये भी बोला गया है कि 16 शुक्रवार का अगर वो उपाय, 16 शुक्रवार के व्रत रखे, तो 16 शुक्रवार के अंतर्गत ही उतने पीरियड में ही, 4 महीने का पीरियड हो गया वो, उतने उसी के अंदर में ही शादी होने का कुछ ना कुछ हो जाता है, रिलेशन हो जाता है, लड़का मिल जाता है। तो इस प्रकार से, और ये मैंने मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, मैंने खुद कई बार करवाए हैं कईयों को और ऐसा हुआ है। और विष्णु पूजा जो है मैंने अपने घर में भी, अपने परिवार में भी, अपने बच्चों के लिए कराया, तो उसका फल मिला। और ये जो ओपल है, मैंने ये कम से कम मैंने नहीं तो हजारों लोगों को पहनाया होगा, और कोई आके ये नहीं बोला जी मेरा कुछ नहीं हुआ, मतलब डेफिनेटली असर आता है। तो आप इसको ओपल, आप ऐसा पत्थर है ये, चमत्कारी पत्थर मान लीजिए इसको आप, कि कहने को तो पत्थर ही है लेकिन है बड़ा चमत्कारी।
और मंगल दोष को जो है ना, आप जैसा हम मानते हैं कि यहाँ यहाँ पर मंगल हो, आई डोंट नो अब आपके ग्रुप में कितने ज्योतिष जानते हैं कितने लोग, लेकिन मैं मान के चल रहा हूँ कि ज्यादा नहीं जानते हैं, तो उसमें जैसे मानते हैं कि 12वें घर में मंगल हो, पहले घर में, चौथे घर में, सातवें, आठवें घर में तो मंगली होता है, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकली जो है ना इसका हमें असर नहीं देखा गया है। उसके कॉम्बिनेशंस अलग है कि वो जो मंगल जो है वो डाइवोर्स करा दे, या मंगल शनि जो है वो डाइवोर्स करा दे, हम कहते हैं कि द्विभार्य योग बनता है शनि के होने से, तो ऐसे योग अलग हैं, और वो कोई एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को दिखाएंगे तो वो आपको बता सकेंगे। लेकिन फिर भी हाँ, ये जरूर है कि आजकल ये डिस्टिंक्शन करना कि ये कैसे, आपको एक डिग्री तो किसी के पास है नहीं, और डिग्री भी है तो ऐसी ऐसी लिखी होती है कि आप उसका कुछ मतलब नहीं निकाल सकते कोई, तो ये एक प्रॉब्लम कॉमन आदमी के लिए जरूर है कि वो कैसे जाने कि ये एस्ट्रोलॉजर अच्छा है, ये सही सही बता रहा है, और ये जो है ये फरलो मान रहा है। तो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स जरूर है, लेकिन फिर भी ज्योतिष में तो खैर कम से कम दम है, और मैं आपसे बस यही कहूंगा कि आप कम से कम ये 36 गुण मिलाना तो कम से कम आउट कर दें, इसको कोई फायदा नहीं है। ये आपको जिसको देखना हो, रिसर्च के बारे में हमारा ओपन है, यू कैन, हमारा ऑफिस है साउथ एक्स में, साउथ एक्स पार्ट 1 दिल्ली में, फ्यूचर पॉइंट के नाम से, एनीबडी कैन कम देयर, कैन सी इट एंड वी कैन शो यू, वहां पे मतलब आपको प्रॉपर गाइडेंस भी मिल सकती है। और मैं आपको एक दो चीजों के बारे में और बताना चाहूंगा। देखिए, जो और जो पत्री में, जन्म पत्री में जो एक दो और दोष होते हैं, जिन जो कि दोष तो हैं, जिनका असर तो होता है, लेकिन हमें नहीं पता होता कि किस लिए क्या असर हो रहा है। कई बार आप देखते हैं कि घर में बीमारी नहीं जा रही, क्या घर में कभी, या बहुत टाइम से कोई एक बीमार तो दूसरा बीमार, दूसरा तो ठीक हुआ तो तीसरा बीमार, या फिर कोई या बच्चे जो है पढ़ के नहीं दे रहे हैं, या लड़की की शादी नहीं हो रही, या लड़कियां ही लड़कियां होती जा रही हैं, लड़के नहीं हो रहे, कन्या संतान नहीं हो रही, तो इस प्रकार के जो कई बार ऐसी प्रॉब्लम लग जाती है, या कि बच्चा हुआ तो थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, और आफत आ गई कि संतान भी मिली और एक और आफत आ गई उसको पालने की, तो इस प्रकार के जो कष्ट होते हैं और जो बार 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 हुए जाते हैं और उनका कोई कारण नहीं दिखाई देता, पत्री भी दिखाओगे तो जन्म वो पंडित जी बोलेंगे तो सब सही है, कोई इसमें दोष नहीं है, तो ऐसे जो है ना पितृ दोष एक कारण माना गया है, जन्म पत्री में पितृ दोष का कारण देखा गया है। और पितृ दोष होता क्या है, पितृ क्या होते हैं एक्चुअली, हमारे जो जो बुक्स हैं उनमें ये लिखा हुआ है कि आदमी कोई भी जब मरता है, डेथ होती है, तो पहले या तो वो रीबर्थ लेता है, रीबर्थ नहीं लेता तो उसका मोक्ष होता है, तो कहीं ना कहीं तो जाता है ना, रीबर्थ में चला, या तो रीबर्थ होके कहीं ना कहीं जन्म ले लिया तो अपना उसका एक तरह से उस शरीर से पूरा पूरा हो गया, और अगर वो मोक्ष हो गया प्राप्त तो भी ठीक है, लेकिन मोक्ष तो किसी किसी को होता है। अब वो रीबर्थ मान लो नहीं हुआ, रीबर्थ होने में और जो डेथ के बीच में एक काल रहता है, वो उसमें वो पितृ संज्ञा होती है उसकी होती है, वो पितृ बन जाते हैं, जो हमारे डेथ होती है किसी की भी, वो पितृ बन जाते हैं, और वो पितृ जो है अब वो अगर आपने उनका देखभाल की थी कुछ शांति, और वो एक और बात है कि ऐसा कहा गया है कि पितृ जो है वो चाहते हैं कि मैं इनके अपने परिवार में ही रीबर्थ ले लूं, कहीं ना कहीं अपने परिवार से ही रिलेशन रहे, चाहे वो अपने परिवार में ही वहीं पे, चाहे कुत्ते के रूप में आ जाए, चाहे बिल्ली के रूप में आ जाए, चाहे किसी संतान के रूप में आ जाए, तो वो पितृ जो है वो अपने ही परिवार में रीबर्थ लेना चाहते हैं, तो उनको जब तक वो उन्होंने रीबर्थ नहीं लिया तब तक वो जो है एक पितृ बन के रहते हैं, और उनको खाना पानी चाहिए, जैसे हमें चाहिए, हमें जैसे खाना पानी चाहिए इसके लिए, इस जीवन को आगे ले जाने के लिए, तो ऐसे ही उनको भी वो जल से तृप्त हो जाते हैं, नॉर्मली वो जल से तृप्त हो जाते हैं, तो उनको, लेकिन उनको भी अपना चाहिए जो भी, और उन्हें
तो फिर हम उनके लिए जो श्राद्ध जो बनाए जाते हैं ये उन्हीं के लिए बनाए जाते हैं कि श्राद्ध में हम उनको कुछ ना कुछ अर्पण करें। जल तो अर्पण करते ही हैं, और उन दिनों में ऐसा माना गया है कि जो पितृ हैं, पितृ लोक से मतलब वो सारे इस पृथ्वी लोक पर आ जाते हैं और अपने अपने वो एक इच्छा उनकी रखती है, वो रहती है कि वो कुछ हमें मिल जाए। अगर हम जैसे श्राद्ध नहीं करते हैं या कुछ और नहीं करते हैं तो वो जो है वो भूखे प्यासे रहते हैं, कष्ट होता है, तो कष्ट होता है तो फिर वो परिवार को कष्ट देते हैं एक तरह से। सर एक सवाल है इसी संदर्भ में कि ये पितरी कितने समय बाद दोबारा रीबर्थ लेते हैं? इनके लिए देखिए ऐसा नहीं है कि हम कोई समय बता पाए। हमारा जो काल है जो 50-100 साल का है ये तो बड़ा छोटा काल है, उनका जो है ना वो हजारों साल में भी उनके लिए बहुत छोटा काल है। अच्छा। वो हजारों साल भी हो सकते हैं और इमीडिएट भी हो सकता है। तो फिर लेकिन हम उनको जल तो अपने ही जीवन काल में दे सकते हैं ना, जैसे हम मैक्सिमम 3 जनरेशन यू कैन से। ऐसा है कि आपको आपका समय पूरा हो गया, आपका खुशहाल बीत गया समय, आपको क्या मतलब फिर आगे से, आगे फिर बच्चे करेंगे, बच्चे देखेंगे। अच्छा, उनको सुधारिए, बाकी दूसरों का देखें बाद में सोचेंगे। अच्छा, एक दो सवाल और हैं चैट बॉक्स में आए हैं, अगर आप उनका पहले जवाब दे दें। एक जने की प्रॉब्लम है कि बेटा जिस जगह शादी करना चाह रहा है वहां कुंडली नहीं मिल रही, तो फिर हम क्या करें? मैंने अभी बताया ना, पत्री मिलाओ ही मत। अच्छा, पत्री आपको लड़का पसंद आ जाए, जब आपको ठीक ठाक सब कुछ हो जाए उसके बाद जब आपको लगे कि अब मेरे को यहाँ शादी करनी है कि नहीं, थोड़ा सा मतलब आप एक फर्स्ट स्टेज से तो बाहर निकले ना। ओके, ये पसंद आ गया या ये लड़की पसंद आ गई, तब उस स्टेज पे जाके फिर आप किसी अच्छे पंडित को दिखाइए। ठीक है, आ जाएगी। आप वहां पे आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर लीजिए मेरे ख्याल से, ज्यादा बेटर रहेगा बजाय कि क्योंकि जो हम समझते हैं कि जो हमारे मंदिर में है वो पंडित जी है, वो पंडित जी पुजारी होते हैं, वो उनको ज्योतिष आती है नहीं आती पता नहीं। अच्छा, एक दो तीन लोगों के प्रश्न है सिमिलर से हैं कि हमारे बिजनेस की ग्रोथ के लिए या हमारे फाइनेंशियल उसके लिए कोई बेसिक उपाय हो। तो उसके लिए आपको मैं एक दो बेसिक फंडामेंटल उपाय बता देता हूँ। आपके पास समय कितना है मेरे ख्याल से, फिर मैं उसी हिसाब से इसको we'll, फिर वाइंड अप बाय 5 to 5 पे हम वाइंड अप कर देंगे। 20 मिनट है हमारे पास। मैं इसके लिए बहुत देखिए, जो नॉर्मली जो इस प्रकार के जो कष्ट देखे गए हैं ना, जो बहुत ज्यादा कष्ट आते हैं वो नॉर्मली शनि के कारण, शनि जनित होते हैं, शनि की 7.5 होती है, ढैया होती है, तो उसमें इस प्रकार का होता है कि हमने उधार ले लिया और फिर फंस गए, या कोई प्रोफेशनल प्रॉब्लम आ गई, या नौकरी छूट गई, नौकरी निकल गई, हम कुछ नहीं कर पा रहे आगे, तो ऐसे में आपको शनि के उपाय ही फलदायी होते हैं। और शनि एक ऐसा ग्रह है जिसके उपाय करें तो बहुत जल्दी उसके फल मिल जाते हैं, ये सबसे अच्छी बात है। तो सबसे बढ़िया उपाय, सबसे पहला उपाय तो यही है कि शनिवार को तेल का दान करें। और प्रोफेशनल अगर प्रॉब्लम है, प्रोफेशनल प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि उन्हें कम से कम सुंदरकांड का पाठ अवश्य करना चाहिए। आप उसका जादुई असर देखिए फिर उसका क्या होता है। आप एक पेज पढ़िए, दो पेज पढ़िए, चार पेज पढ़िए, जितना पढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं पूरा एक ही दिन में करना है क्योंकि बड़ा है सुंदरकांड, टेक्स अबाउट 2 hours टू कंप्लीट 1 chapter, तो उसको आप थोड़ा थोड़ा पढ़िए, एक 5 मिनट पढ़िए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप बहुत ज्यादा पूजा करिए, आप थोड़ी पूजा कीजिए और हनुमान जी की पूजा करिए, हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, तो जिससे कि आपको डर खत्म हो पहले तो, क्योंकि जब इस शनि का टाइम आता है ना तो एक तो डर बहुत लगता है, रात को नींद खत्म हो जाती है और ये दिखाई नहीं देता, रास्ता नहीं दिखाई देता कि क्या होने वाला है आगे। तो ऐसे में सुंदरकांड का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ और शनि मंत्र का जाप, शनि मंत्र का जाप हो सके तो 7 मुखी रुद्राक्ष माला भी करना चाहिए। और अगर 7 मुखी रुद्राक्ष माला ना मिल मतलब मिल जाती है ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे यहाँ सेंटर पे तो सब कुछ रहता है। और दूसरी बात है, अगर शांति चाहिए, बिल्कुल शांति मतलब बहुत ज्यादा जी उखड़ रहा है, मन टिकता नहीं है कहीं पर भी और डर ही डर लगता है, तो 1 से 14 मुखी रुद्राक्ष माला
मानी गई है, इसके लिए जिसमें सारे ग्रहों का उपाय एक तरह से हो जाता है उसको पहनना चाहिए, उसको धारण करना चाहिए। ऐसे में स्टोन बहुत ज्यादा सूट नहीं कर पाते, कर गया तो वो पत्री देखने पे पता चलेगा, नहीं तो अन्यथा उपाय जो है ना वो ज्यादा काम करते हैं। और इसके अंदर जब शनि का टाइम आता है तो थोड़ा डिफेंसिव साइड हो जाना चाहिए, हमें ज्यादा एग्रेसिवली काम नहीं करना चाहिए, थोड़ा हमको जो हमारे जो छोटे लोग हैं, छोटी जाति के लोग हैं या सफाई कर्मचारी लोग हैं, उनको कुछ ना कुछ देते रहना चाहिए, दान देते रहना चाहिए या उनको खाने पीने को देते रहिए, तो इससे बहुत लाभ मिलता है। ये तो है अगर आपको प्रोफेशनली कोई कमी आ रही है तो कोई प्रॉब्लम। अब एक सबका एक बहुत महत्वपूर्ण आज की तारीख का सवाल है, कोरोना कब जाएगा? सर इससे पहले एक और क्वेश्चन है, हमारी ज्योतिष वेदों से आती है, वेदांग है, it comes in the वेदांग, पर कोई भी ज्योतिषाचार्य कोरोना को प्रिडिक्ट क्यों नहीं कर पाया, जब इतनी गंभीर साइंस है, जो इट इज अ साइंस, पर कोरोना हो या 2020 इस तरीके का भी है ना, प्रिडिक्ट कर पाया। तो मेरे पास बिल्कुल सही जवाब है, मैं आपको बता दूं। आपके पास मान लीजिए, देखिए ये शायद आपने भी जिंदगी में पहली बार कोरोना देखा होगा, कोरोना जैसी प्रॉब्लम किसी ने नहीं देखी, ना हमने देखी ना आपने देखी, किसी ने इस तरह की समस्या नहीं देखी, किसी कोई जो चीज इमेजिन ही नहीं कर सकते उसको कैसे आप बताएंगे बोलेंगे, आप कहीं तो इमेजिन, देखिए प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स का बिहेवियर है एक, हम उसको स्टडी कर सकते हैं, लेकिन हमें मालूम तो होना चाहिए किस चीज के लिए देखना है। जैसे ही ये कुछ हुआ, समझ में आया कि अरे ये क्या हो रहा है, ये तो इस तरह की बीमारी है, तो लोगों के दिमाग में आया और इमीडिएटली फिर लोगों ने समझने की कोशिश करी ये क्या हो रहा है, ग्रह चाल क्या चल रही है, तो फिर उसको कोरिलेट किया और इमीडिएटली समझ भी गए कि गुरु शनि की युति है, साथ में केतु महाराज बैठे हुए हैं और ये तीन ग्रह जो तीन की युति बनी ये लगभग 100 साल बाद बनी, लगभग 100 साल बाद, ये पहले बनी थी करीब 1920 में, उस समय भी ये युति थी, उस समय भी फ्लू आया था, उस समय भी ये सब कुछ हुआ था, लेकिन किसी ने सोचा नहीं। देखिए हमने तो जाना नहीं कि फ्लू कैसा था, पड़ा जरूर था लेकिन ऐसा तो समझा नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। ये तो स्थिति जब हमारे सामने आई तब हमारा दिमाग खड़काना, तो कोरिलेट कर लिया, मतलब आप कहना ही चाह रहे हैं, आप कहना ये चाह रहे हैं कि कोरिलेट करके बाद में और फिर ये मुक्ति नहीं। कोई इवेंट ऐसा हो जो 200-400 साल बाद होता हो हैं, या 100 साल बाद होता हो, उसको इमेजिन करना बड़ा मुश्किल काम है कि, और फिर उसको देखना कि हम अपने आप से देखें कि ये हो तो नहीं रहा है, लेकिन जैसे अर्थक्वेक्स है तो इसके पास, इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है, बड़ा अच्छा है, बारिश के लिए है, मतलब जो जो चीजें होती रहती हैं उनके लिए तो हम सोच सकते हैं, लेकिन जो चीजें हमारी लाइफ लॉन्ग में नहीं हुई, लाइफ में नहीं हुई, उसके लिए क्या तो सोच है, लेकिन ये जरूर है कि हमें आज मालूम है कि कब कोरोना खत्म होगा और कब कौन सा ग्रह क्या होगा। इसका मैं बता देता हूं आपको कि कोरोना का जो, देखिए अब केतु जो है, अभी गुरु शनि इकट्ठे बैठे हुए हैं, अभी गुरु जो है केतु के पास जा रहा है, तो अभी ये कोरोना बिल्कुल सॉल्व नहीं होने वाला है। अभी केतु लेकिन जो है वृश्चिक राशि में सितंबर के महीने में क्रॉस कर जाएगा, और जैसे ही क्रॉस करेगा तो उसके बाद एकदम आपको कुछ ना कुछ उपाय मिल जाएंगे, इसके जो आप बहुत लगे हुए ना कि अजी शायद आ जाए, अब आ जाए, अब आ जाए, हमें, मेरे को पूरा उम्मीद है कि सितंबर से पहले कुछ नहीं आने वाला, मतलब दवाई भी जो आया लगेगी, दवाई जुलाई के बाद मिल सकती है, जुलाई में मिल सकती है, लेकिन जो टीका है, वैक्सीनेशन है, वो सितंबर से पहले नहीं आएगा और सितंबर के बाद ही आएगा। और है सर, क्वेश्चन ये आ रहा है, ये आपका सेशन फेसबुक पे भी जा रहा है और यूट्यूब पे भी, वहां से क्वेश्चन ये आया है कि ये जो कोरोना है ये भय ज्यादा बन गया है या वाकई कोई बीमारी है या भय के कारण इतना विकराल रूप ले चुकी है? नहीं, भय नहीं है, खाली भय नहीं है, ऐसा नहीं है कि खाली भय है, इसमें तो सरासर मतलब सामने दिखाई दे रहे रिजल्ट, इतने लोग मर गए इससे तो, लेकिन हाँ तब भी ये कंट्रोल हो जाएगा, और अभी ये कंट्रोल होने में, देखिए उसके बाद भी, सितंबर के बाद भी, वैक्सीनेशन आने के बाद भी नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी इसकी एक बार और पीक आनी है नवंबर दिसंबर में, नवंबर दिसंबर जनवरी के मध्य तक रहेगी वो पीक, फिर इसके बाद एकदम डाई आउट होगा और मार्च अप्रैल तक एकदम फुल्ली कंट्रोल में आ जाएगा, मतलब टोटल कंट्रोल जो आएगा वो मार्च के एंड तक आएगा, मतलब
2021 मतलब 2021 मार्च तक, 2021 मार्च उपाय बता दीजिए। उपाय है आप बी होम से। देखिए ये केतु की वजह से है, केतु इसका मुख्य कारण है, गुरु इसका मुख्य कारण है, दो है प्लैनेट्स जो इसके मुख्य कारण है, और शनि साथ में उसमें साथ अग्नि डाल रहा है दे रहा है, और अभी तो मंगल भी था, अभी मंगल थोड़ा सा दूर हो गया तो थोड़ा सा फिर हल्का सा शांति आएगी, थोड़ी सी कुछ ना कुछ उसका सोल्यूशन मिलेगा बस, दैट्स ऑल। तो उसका उपाय तो देखिए आठ मुखी और नौ मुखी रुद्राक्ष में, तो आठ मुखी नौ मुखी रुद्राक्ष जो है इसके एक सबसे बड़े उपाय माने गए हैं इसमें, यह है कि और इस पर राहु के मंत्र का जाप करना चाहिए, ओम राम राम ब्रीम राम सा राहवे नमः, ये मंत्र का जाप इसमें, और आठ मुखी माला जो है आठ मुखी माला पे कर सकते हैं, आठ मुखी माला मिलती है आजकल, तो आठ मुखी माला पे ही अगर राहु के मंत्र का जाप किया जाए, शनि के मंत्र का जाप किया जाए और गुरु के भी मंत्र का जाप किया जाए, तीनों मंत्रों का जाप किया जाए और उसको पहना जाए, तो इससे कह सकते हैं कि हमारे को इम्यूनिटी आएगी, या यूं कह लीजिए कि हमारे को रोग नहीं टच करेगा, हमें किसी न किसी रूप में उससे उसका पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी उससे। तो ये इसका ज्योतिष में तो ये उपाय है, और वैसे इसको राहु के लिए जो है हमारा हैसो नाइट यानी कि गोमेद धारण करने का बताया गया है, कैट्स आई है, टाइगर्स आई, टाइगर साई जो है ना उसको भय को दूर करती है, इसका टाइगर आई बहुत अच्छी इफेक्टिव है इसके लिए, इस रोग के लिए, तो टाइगर आई पहन सकते हैं, उसका लॉकेट पहन सकते हैं, उसको अंगूठी में भी पहन सकते हैं, तो ये एक अच्छा उपाय है इसके लिए। सर एक दो क्वेरी, बहुत सारे लोगों के बहुत सारे प्रश्न हैं, आभा जी हमारे ग्रुप की एक सीनियर मेंबर है, मैं उनको अनम्यूट कर रही हूँ, वो कुछ पूछना चाह रही है। आभा जी यूर ऑनलाइन, आभा जी थैंक यू सो मच सपना, और आपका बहुत बहुत स्वागत है। पर मुझे ठीक है आपको कोरोना के रूप में नहीं पता था कि ये ऐसा कुछ कोरोना के नाम से कुछ विपत्ति आएगी, पर विश्व पे कोई इतना भारी संकट आएगा ये तो, अगर आप अर्थक्वेक्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं तो इतनी बड़ी एक विपत्ति आएगी उसको तो ज्योतिषी शास्त्र प्रिडिक्ट कर ही सकता था। विपत्ति तो मैंने बताया ना, जैसे कि अभी जब सारे प्लैनेट से एक तरफ हो जाते हैं तो विपत्ति का समय, और अभी भी सारे के सारे ग्रह इकट्ठे हैं, काल सब दोष का सब काल चल रहा है, अभी भी विपत्ति हट नहीं गई है, अभी तो ये सिर फोड़ेंगे अपने आपस में कंट्रीज जो है ना एक दूसरे का सिर फोड़ेंगे, वो भी तो है, अभी एक ही विपत्ति को क्यों देख रहे हैं आप, अभी तो इससे इसके द्वारा जो जनित दूसरी विपत्ति है उसको भी तो अभी तो आपने नहीं देखा है, अभी तो हम बताना आपको अभी नवंबर दिसंबर में देखिए क्या हाल होता है, कहीं ना कहीं वार के पूरे आसार बन रहे हैं। सर एक दो बहुत जनरल क्वेश्चंस हैं कि क्या हमें अपने जो गॉड्स, हम जो जिनकी भी पूजा अर्चना करते हैं अपने उसके हिसाब से करना चाहिए, हॉरोस्कोप के हिसाब से जो हमारे चिन्ह है जन्म के, जो हमारे जैसे कन्या वृष ये सब हैं उनके हिसाब से करनी चाहिए, हम जनरल में गॉड गॉडेसेस की वर्शिप कर सकते हैं? नहीं देखिए अपने आप देव कुल देवता की करते हैं पूजा, वो कीजिए आप जैसे करते हैं, अगर आपको कोई कष्ट जैसे आपको ये है ना कि आप कोई आप टॉनिक खा रहे हैं तो खाते रहिए ना, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी आपको कोई बीमारी हो गई है, कोई आपको रोग हो गया तो उसका एंटीबायोटिक खाना पड़ेगा ना पर्टिकुलर, तो तो उसका कोई रोग है तो उस जो हमारे पास कोई विपत्ति आए तो हम जोडियाक साइन के हिसाब से अपना वो करें। एक आई हैव अ क्वेश्चन, सॉरी आई हैव अ क्वेश्चन सर, ये हमारी शायद राहु की दशा है इस टाइम पे, ये तो इसका ये राहु की दशा है क्या, ये हमारी जो ये हमारे को कोरोना चल रहा है, ये राहु की दशा भी गोचर कहलाता है, वो तो गोचर तो प्लैनेट्स तो सारे गोचर करते ही रहते हैं, हमेशा ही रहते हैं, ये दे आर नॉट गोइंग एनीवेयर, दे आर इन द स्काई ऑल द टाइम। तो राहु की दशा का कोई उपाय बता सकते हैं सर? राहु की दशा के लिए तो यही है, राहु का मंत्र का जाप करना चाहिए, राहु की दशा में गोमेद धारण करना चाहिए, राहु की दशा में शिव जी पर जल चढ़ाना चाहिए, शिव दूध चढ़ाना चाहिए, और जो राहु की दशा में शिवलिंग जो है ना, अगर घर में पारद शिवलिंग को रखें तो सबसे अच्छा उसके ऊपर दूध चढ़ाएं, सबसे बढ़िया उपाय माना गया है, और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें और उस पे आठ मुखी रुद्राक्ष माला पे करें तो और अच्छा है। सर एक जनरल क्वेश्चन, सॉरी क्वेश्चन है फेसबुक से आया है
कि जिस तरीके के एफर्मेशंस, पॉजिटिव एफर्मेशंस आजकल लोग बताते हैं, जैसे द सीक्रेट में या अलग अलग, तो ये क्या हमारे शास्त्रों में ये एफर्मेशंस के रूप में थे क्या कि ये करने से मन की शांति बढ़ेगी तो आप इस काल से, इस समय से निकल जाएंगे, या ये चढ़ा देंगे तो मन की शांति बढ़ेगी तो आप निकल जाएंगे, क्या ये पॉजिटिव एफर्मेशंस थी ये सारी चीजें? और है ये जो जो उपाय मंत्रों का तो उल्लेख पूरा है, हर जगह उल्लेख किया हुआ है कि ये मंत्र है और इस कार्य सिद्धि के लिए है, तो मंत्रों का तो पूरा लिखा ही हुआ है, और ये भी लिखा हुआ है कि ये ग्रह इसका, इस ग्रह के कारण ये वाली पीड़ा होती है और इसके लिए ये उपाय है, तो ऐसे तो नहीं है, ये सब चीजें तो लिखी हुई है हमको मतलब ये। लेकिन हाँ, ये जरूर मैं कह सकता हूँ कि ये जो उपाय है ना, इसके ऊपर अभी कोई रिसर्च नहीं हुई है कि ये उपाय इतना काम करेगा, ये अपने अपने फीलिंग्स हैं, हमने करवाया, किसी का सिद्ध हो गया काम, अब वो उस उपाय की वजह से हुआ या कि किसी और वजह से हुआ ये कहना बड़ा मुश्किल है। लेकिन अभी उस तरह की रिसर्चेस नहीं है कि हम ये कह सके नहीं इस उपाय से ये होता ही होता है, ऐसा होता ही होता है ये इसमें, तो इसीलिए हम कहते हैं इसमें श्रद्धा है हमारी। लेकिन ये भी श्रद्धा जो है ना, आफ्टर ऑल कुछ एक्सपीरियंस के बेसिस पर है। सर एक जनरल क्वेश्चन और है कि घर की शांति बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए? दो तीन लोगों ने सवाल किया कि घर में एक जनरल शांति बनी रहे, उसके लिए घर में जनरल शांति के लिए तो आपको या तो मैं वास्तु के कुछ उपाय टिप्स बता सकता हूँ कि ये कॉर्नर मान लीजिए खराब है तो इसका ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, और क्योंकि जनरल शांति के लिए तो बाकी जो जनरल शांति है उसमें तो आपको जैसे कोई अगर दोष है, कोई जैसे मैंने बताया कि गुरु और शुक्र इन दोनों का, इन दोनों में से कोई ना कोई, अगर आप इन दोनों का उपाय, दोनों में से कोई एक का उपाय कर लें, देख के कि गुरु का करना चाहिए या शुक्र का, और इन दोनों के लिए एक या तो रत्न धारण कर लें पुखराज या फिर ऊपर, और या गुरु गुरु की पूजा करें या शुक्र की पूजा करें, तो एक इसमें ये ग्रह शांति के लिए और ग्रह सुख के लिए ही मैंने बताया ये खास तौर से। और ये हम वैसे भी अगर आप जो वो लेके आएंगे तो भी हम यही बताने वाले हैं आपको, मतलब आप अगर पत्री लेके आएंगे तो हम सिर्फ ये बता देंगे कि गुरु का करो या शुक्र का करो, कौन सा वाला आपको सुख करेगा वो तो आपको है ही है। बाकी आपका कई बार क्या होता है ग्रह शांति में प्रॉब्लम क्या होती है कि किस डायरेक्शन में हमने कौन सी चीज रख दी, क्या नहीं रख दिया, क्या क्या पता नहीं रहता, तो दो तीन चीजें आप जो कि बिल्कुल मोटी मोटी हैं वो आप कर सकते हैं कि आप ये देखिए कि आपका जो फेस है ना वो नॉर्थ ईस्ट फेसिंग रहे। नॉर्मली हर चीज में काम करते में आप जैसे मान लीजिए आप ड्राइंग रूम में बैठे हैं या लॉबी में बैठे हैं तो आप अपने फर्नीचर को इस तरह से सेट कर लीजिए कि नॉर्थ में या ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में आपका फेस रहे। पढ़ाई कर, बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो उसका भी फेस नॉर्थ ईस्ट में रहे या ईस्ट में या नॉर्थ में, दोनों में हो जाता है ऑटोमेटिक, ये मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, ये तीन डायरेक्शन में से आप कोई ना कोई डायरेक्शन सेट कर सकते हैं, पर्टिकुलरली साउथ वेस्ट डायरेक्शन ना हो। साउथ वेस्ट डायरेक्शन होती है ना तो हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट रहता है, आप पूजा भी करेंगे ना मन नहीं लगेगा, आप पूजा तो कर रहे हैं लेकिन पता नहीं किसकी पूजा करी, पूजा की नहीं करी, तो आपको जिस तरह से मतलब मन उचाट रहता है, तो उधर से वो डायरेक्शन थोड़ी सी अगर आप सेट कर लें तो इससे बहुत अंतर आ जाता है। और दूसरी बात यह कि जो डायरेक्शन का डिफेक्ट है, जिस डायरेक्शन में डिफेक्ट है, अब ये पूरा वो पढ़ाना तो बड़ा मुश्किल काम है छोटे से टाइम में, लेकिन जिस डायरेक्शन में इम्पैक्ट है उसमें एक आप जैसे ट्री जो है ना, एक वो आता है रत्नों का पेड़ आता है, वो अलग अलग रत्नों के पेड़ आते हैं, अलग अलग कलर्स के आते हैं, कोई कोई पन्ने का है, कोई पुखराज का है, ओपल का है, या हर तरह के आते हैं, वो आप पर्टिकुलर डायरेक्शन में पर्टिकुलर रत्न का पेड़ आप रख लीजिए, स्थापित कर लीजिए, तो आपको वो शांति दे सकता है। दूसरा आप पर्टिकुलर कलर्स, कलर कॉम्बिनेशंस भी जो है ना, कई बार क्या होता है हम बहुत डार्क कलर्स कर लेते हैं दीवारों पर, ये डार्क कलर्स करना ना सबसे ज्यादा शांति का कारण है। आप कभी भी डार्क कलर्स जो है ना डार्क नहीं होने चाहिए, उसमें सॉफ्ट कलर्स ही रहने चाहिए, चाहे टिंच हो सकता है आपका कि ये हमारा क्रीमिश टिंच है, ये ब्लूइश टिंच है, ये पिंकिश टिंच है, ग्रीनिश है, बट इट शुड नॉट बी डार्क एट ऑल। डार्क होता है तो कहीं पे वर्किंग प्लेस पे वहां पे भी वो थोड़ा सा एरिया ही हो सकता है डार्क, ज्यादा नहीं होना चाहिए। और मतलब एक तो आप कलर को सॉफ्ट कीजिए,
और नॉर्थ ईस्ट वगैरह में ना आप खास तौर से ध्यान रखिए कि सफाई रहे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का गंदा होना, नॉर्थ ईस्ट में कोई ऊंचा होना, ज्यादा कंस्ट्रक्शन, ज्यादा सामान रखा रहना, ये एक सबसे बड़ा कारण बनता है प्रॉब्लम का, सबसे बड़ा कारण बनता है। कोई ना कोई समस्या जो कलह आती है, कोई काम नहीं चल, वो नॉर्थ ईस्ट डिस्टर्ब हो, और साउथ वेस्ट में गड्ढा हो, साउथ वेस्ट में गड्ढा हो तो बीमारी और रोग और फाइनेंशियल लॉसेस ये हमेशा बने रहते हैं। ये तो मतलब कि ऐसा रूल है जो कि एक तरह से कि एवरीबडी कैन लुक आफ्टर दिस प्रॉब्लम, और ये बहुत इफेक्टिव रूल है, सारा वास्तु जो है ना इसी पे बेस्ड है। और दूसरा जो है सेंटर पॉइंट पे भी ना गड्ढा नहीं होना चाहिए, जो ब्रह्म स्थान कहलाता है उस पर भी गड्ढा नहीं होना चाहिए, कूर्म स्थल माना गया है, कूर्म हो तो अच्छा है, मतलब ये नहीं तो फ्लैट हो कम से कम, और जो ब्रह्म स्थल है वो साफ रहना चाहिए। तो सफाई का ध्यान रखें, डायरेक्शन सब आप हमेशा नॉर्थ ईस्ट में रखें, सोने की डायरेक्शन में भी आपको नॉर्थ में, आपका आप उठें तो नॉर्थ में हो, मतलब कि सिर जो है साउथ में होगा, पैर नॉर्थ में होंगे, और मतलब जब आप उठेंगे सुबह तो आपको नॉर्थ डायरेक्शन दिखाई दे, तो ये एक बहुत अच्छा उपाय हो सकता है। और जब सुबह उठें तो सुबह कोई एक छोटा सा कोई मंत्र आप अपने मन में रख लीजिए, कोई भी एक मंत्र कीजिए ना, अगर आप डेली किसी मंत्र की उपासना करते हैं, पूजा को करते हैं, तो 43 डेज बाद वो हमें सिद्ध हो जाता है, हमारे मन में अपने आप आने लगता है। तो वो सुबह सुबह कोई भी एक आप मंत्र ले लीजिए और उस मंत्र का जाप करते हुए उठिए, तो आपका दिन जो है ना शांति के साथ गुजरेगा। सर एक क्वेश्चन ये था, ये क्वेश्चन ये है कि अगर हम अपना कर्म पूरी तरीके से ना करें और सिर्फ रत्न पहन लें और मंत्रोच्चारण कर लें और उपाय कर लें, तो कितना कारगर सिद्ध होगा ये ज्योतिष हमारे? ये तो कभी कहा ही नहीं कि कर्म नहीं करें, कर्म करने को तो हमेशा बोला गया है, लेकिन कर्म में मन जो नहीं लगता है वो मन लगाने के लिए ये उपाय है बस, कि आप ये, क्योंकि जब मन लगने लगेगा तो कर्म भी होने लगेंगे, क्योंकि क्या है कई बार कि हम करना भी चाहते हैं फिर भी क्या है मन नहीं लग रहा, हमारा मन कहीं और भटक गया ये, और कई बार तो बहुत बुरी स्थिति होती है कि हम ये इसको इस तरफ को करना चाह रहे हैं, फिर दूसरी तरफ को मन भटक रहा है, फिर दूसरी तरफ को गए उधर से भटक गया, फिर तीसरे में जाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे कभी खाने में होता है, नहीं अभी मेरे को मीठा खाना है, मीठा नहीं, मीठा आ गया सामने, नमकीन खाना है, नमकीन नहीं सामने आ गया, खट्टा खाना है, मतलब ना तो खाना है क्योंकि पेट तो भरा हुआ है, तो खाना तो कुछ है नहीं, लेकिन मन करे जा रहा है, कभी इधर से भटक रहा है उधर को, उधर से तीसरी तरफ, तो ये जो मन का भटकाव है, यही मन को, मन के भटकाव को अगर ठीक कर ले तो मेरे ख्याल से हम बहुत आगे कर्म जो है अच्छे से कर सकते हैं। बहुत बढ़िया बोला सर आपने। अब मैं अंजू गोयल को आमंत्रित कर रही हूँ, वो दो शब्द आपके लिए कहेंगी। आपके पास इतना अथाह ज्ञान है कि आपके लिए सर एक घंटा बहुत कम है हम लोगों के लिए, परंतु देवी जी की कथा है, बहुत समय से हम शुरू करते हैं और समय पे खत्म करते हैं। अंजू गोयल को आमंत्रित कर रही हूँ, आपके लिए दो शब्द कहेंगी। अंजू बोलिए। नमस्ते बंसल जी। नमस्ते, नमस्कार अंजू जी, नमस्कार। थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी एक ही रिक्वेस्ट के ऊपर अपना टाइम निकाला, थैंक यू वेरी मच हमारे देव गीतीस के लिए। इंट्रोड्यूस किया मैं आपको 10 साल से भी शायद ज्यादा से जानती हूँ, और मैं आपको सबको देव गीतीस को बताना चाहती हूँ कि ही इज अ वेरी वेरी फेमस एंड रिलायबल एस्ट्रोलॉजर, तो मैं इनपे बहुत बिलीव करती हूँ, तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, आज का भी टॉपिक बहुत अच्छा था, एज ऑफ जनरल था बट सबके लिए आई थिंक थोड़ा बहुत तो यूजफुल था ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अंजू फॉर मेकिंग एन एफर्ट टू ब्रिंग हिम हियर विद अस, और जो हमारी मिथ्स थी छोटी मोटी, ये लोगों को ये बहुत ज्यादा था कि कर्म मत करो, रतन पहन लो, इधर पहन लिया उधर पहन लिया, वो कई लोगों को ये वहम भी है कि आज हमारा थर्सडे तो येल्लो ही पहनना है और ये पहनना है, मेरे ख्याल से वो भी एक वहम ही होगा तो इस नोट पे मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, थैंक यू सो मच। और जिसको भी इनसे कनेक्ट करना है, हमने ग्रुप पे इनका फोन नंबर डाल दिया है, यू कैन कनेक्ट टू हिम डायरेक्टली। एंड थैंक यू बंसल जी, थैंक यू अंजू, एंड थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग सो मच ऑफ टाइम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।
सभी को नमस्कार। मैं सपना खंडेलवाल ऑन बिहाफ ऑफ देवदीति फाउंडेशन तहे दिल से आपका शुक्रिया करते हैं। थैंक यू फॉर एडिंग वैल्यू टू आवर लाइव्स। थैंक यू फॉर शेयरिंग योर वैल्यूएबल नॉलेज जो वेदों से वेदांग है, परंतु इसके ज्ञाता और सही मायने में जो इसे बता सकते हैं वो कुछ पुरुष रह गए हैं। थैंक यू फॉर बीइंग वन ऑफ देम। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू अटेंड टुमारो सेशन। इट्स अ वेरी वैल्यूएबल सेशन। केमिकल्स को कैसे छोड़ना है और अपने जीवन में किस तरीके से हम बायो एंजाइम्स घर से ही बना के हार्श केमिकल्स से अपना पीछा छोड़ा है। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। नमस्कार।